morning and welcome all of you. सफलता, success, जिसे सभी पाना चाहते हैं. Mostly I'm telling this story to my own students. वैसे ही मैं ये कहानी हमेशा ही अपने students को सुनाया करता हूँ. But today I'm feeling so glad that I'm going to share this story with all of you. इससे पहले कि मैं ये कहानी बताना शुरू करूँ, एक कवि की कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आ जाते हैं. वो पंक्तियाँ जो किसी के भी जीवन को बदल सकती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दोज ब्यूटीफुल लाइंस ऑफ ग्रेट ग्रेट पोइट हरिवंश राय बच्चन. जब उन्होंने कहा था कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो. असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो. क्या कमी रह गई वो तो देखो और सुधार करो. जब तक सफल ना हो चैन की नींद को त्यागो. संघर्षों का मैदान है ये, छोड़ कर ना तुम भागो. कुछ किए बिना ही कभी जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. इफ यू पीपल आर इन योर स्ट्रगल पीरियड, इफ यू पीपल आर डूइंग एफर्ट्स, इन भगवत गीता ऑल्सो लॉर्ड कृष्णा सेड टू अर्जुन कि हे पार्थ तुम यत्न करते चलो. क्योंकि किया गया कोई भी यत्न, किया गया कोई भी प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी खाली नहीं जाता. सो गाइस, टुडे आई वुड लाइक टू टेल यू वन स्टोरी. जैसे कि मैंने टाइटल में ही स्टोरी के उसको टाइटल दिया है सीक्रेट ऑफ सक्सेस, बिकॉज ये कहानी ही कुछ ऐसी है. ये कहानी है दो व्यापारियों की. एक बार की बात है, एक गांव में दो व्यापारी व्यापार करने आते हैं. एक कड़वी मिर्च का व्यापार करने आता है, तो दूसरा व्यापारी मीठे शहद का व्यापार करने आता है. अब दोस्तों होता क्या है, जो व्यापारी मीठे शहद का व्यापार करने आता है उसके शहद की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन होती है, और जो बेचारा कड़वी लाल मिर्च का व्यापार करने आता है उसकी मिर्च की गुणवत्ता ठीक ठाक ही होती है. और ऐसा लगने लगता है दोनों ही व्यापारियों को कि ये जो मीठे शहद का व्यापारी है ये तो तगड़ा मुनाफा कमा के जाएगा, और दूसरी तरफ ये जो व्यापारी लाल मिर्च का व्यापार करने आया है शायद उतना सौदा नहीं कर पाएगा और उतना अधिक लाभ भी अर्जित नहीं कर पाएगा. Guys, do you know what happened after that? जैसे कि मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि अंत में कुछ अलग ही होता है. अंत में होता क्या है, वो लाल मिर्च का जो व्यापारी है वो बड़ा ही धनवान बन जाता है. He become very rich in the same village. और दूसरी तरफ वो व्यापारी जिसकी शहद की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी थी, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, और जो मीठे शहद का व्यापार करने आया था, कुछ समय बाद ये पता चलता है कि वो उतना अधिक धन अर्जित नहीं कर पाए और उसका व्यापार तो ठप हो गया. वो अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर वापस जाने लगता है, और जब वो वापस जा रहा होता है वो उस लाल मिर्च के व्यापारी से पूछता है, भाई साहब हाथ जोड़कर श्रीमान हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं. एक बात तो बताइए कि मेरे शहद की गुणवत्ता आपकी लाल कड़वी मिर्च से कितनी अधिक अच्छी थी, और लोग शहद अधिक पसंद करते हैं लाल मिर्च कम. उसके बाद भी ऐसा कौन सा रहस्य है जिससे आपने इतनी अधिक सफलता अर्जित कर ली, इतना अधिक धन कमा लिया, कृपया करके वो रहस्य मुझे बता दीजिए जिससे मैं भी आपकी तरह. यू नो व्हाट, कहानी का असली मोड़ तो अब शुरू होता है. इतना सुंदर जवाब देते हुए, अ ब्यूटीफुल आंसर देते हुए लाल मिर्च का व्यापारी उस शहद के व्यापारी को कुछ ऐसा कहता है जिसे अगर हम ध्यान से सुन लें और अपने जीवन में अपना लें, सो वी कैन गेट एनी सक्सेस इन अवर लाइफ. वो कहते हैं कि ये व्यापारी जिसकी बोली मीठी होती है ना,
उसकी तो कड़वी मिर्च भी बिक जाती है, और जिस बेचारे की बोली ही मीठी नहीं होती उसकी तो अच्छी गुणवत्ता वाला मीठा मीठा शहद भी नहीं बिकता। गाइस आई वॉन्ट टू रिपीट दीज लाइन्स अगैन कि वो लाल मिर्च का व्यापारी कहता है एक अच्छी से शिक्षा देते हुए कि भाई जिसकी बोली मीठी होती है ना उसकी तो कड़वी मिर्च भी बिक जाती है, और जिसकी बोली ही मीठी नहीं होती उसकी तो मीठा अच्छी गुणवत्ता वाला मीठा मीठा शहद भी नहीं बिकता। सो गाइस दीज लाइन्स हैविंग सच अ ब्यूटीफुल आंसर एंड सच अ इम्पोर्टेंट सक्सेस मैसेज फॉर आवर लाइफ। जब हमारी बोली में विनम्रता नहीं होती, when we are not polite with others, we never can able to grab any success in our life. Talent, skills, hard work, किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया, सक्सेस को पाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है ना? किंतु टैलेंट के साथ साथ विनम्रता का होना, जैसे हनुमान जी में अधिकतम शक्ति थी फिर भी विनम्रता बहुत अधिक थी, ऐसी विनम्रता का होना इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। सो टू गेट एनी सक्सेस वी नीड वेरी पोलाइट बिहेवियर, क्योंकि हमारी पोलाइटनेस ही है जो किसी की भी रूडनेस का आंसर बड़ी ब्यूटीफुल तरीके से दे दी है। बिकॉज व्हेन अ पर्सन इज पोलाइट ही कैन चेंज अनदर पर्सन, हमारी विनम्रता एक अभद्र व्यक्ति को बदल देती है, और हमारी अभद्रता यानी कि हमारा बैड बिहेवियर किसी बैड बिहेव पर्सन को बदल नहीं सकता, बल्कि ये तो एक वोलेंस का कारण बनता है। सो द बेस्ट वे टू लिव लाइफ टू गेट एनी सक्सेस इन द लाइफ इज वॉट, गो अहेड विद पोलाइटनेस, बिकॉज पोलाइटनेस इज अ ब्यूटिफुल वे टू ग्रैब एनी सक्सेस। वो न्यूटन का थर्ड लॉ भी बताता है ना, एवरी एक्शन हैविंग इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसी तरीके से जो भी जिस भी तरह का व्यवहार हम दूसरों से करते हैं वैसा ही हमें प्राप्त भी होता है। सो इफ यू आर पोलाइट विद अदर्स इवन समवन इज रूड विद अस, इट शोज दैट वी कैन ग्रैब एनी सक्सेस इन अवर लाइफ। व्हाई? प्रभु श्री राम को भी कई राक्षस गालियां दिया करते थे जब वो उनसे युद्ध लड़ने आते थे, फिर भी श्री राम हंसते उन्हें मुस्कुराते हुए सुंदर से वचन बोल दिया करते थे। यही तो फर्क था उन दानवों में और प्रभु श्री राम में। सो गाइस वी नीड टू हैव पोलाइटनेस इन अवरसेल्व्स, बिकॉज़ अवर पोलाइटनेस कैन चेंज एनीवन एंड इट कैन ओपन द डोर्स ऑफ सक्सेस फॉर अस। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज हिट द लाइक बटन, प्लीज hit the like button, and I'm gonna be back with a new beautiful video again. I wish you health, I wish you happiness, and I wish you a beautiful day. Thank you.